प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, आप हमारे साथ खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा। इस समय देश में तमाम तरह के मुद्दे ज्वलंत हैं और हर मुद्दे के साथ नए नए बयान आते हैं और उन बयानों पर हंगामा होता है, साथ ही साथ एक नफरत का माहौल भी फैल जाता है। अगर बात करते हैं बयानों की, तो बयान पहले बाबरी मस्जिद पर आते रहे, उसका बयान शुरू हुए ज्ञान बाबरी मस्जिद पर और बयान की इंतहा इतनी बड़ी हो गई कि एक बड़े बयान के चलते समाज में आगजनी हो गई, पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी से निश्चित रूप से जो हमारे देश की जो प्रतिष्ठा है वो वैश्विक स्तर पर भी खराब हुई। OIC के जो संगठन देश हैं उन्होंने इसकी निंदा भी की और भारत को जवाब भी देना पड़ा। पर इस निंदा के बीच में तमाम तरह की गिरफ्तारियां हुई, बुलडोजर चलाए गए और साथ ही साथ बड़ी साजिशों का खुलासा भी हुआ कि किस तरह से यहाँ पर फंडेड भी की गई थी, योजना भी बनाई गई थी और योजना के माध्यम से लगातार देश में एक ऐसा माहौल तैयार किया गया था जिसकी पटकथा कुछ अलग ही रूपरेखा लेती नजर आई। और जब ये मामला हुआ 3 जून को, 3 जून के मामले के बाद कहा जाता रहा ये मामला शांत हो गया, फिर मामला अगले जुम्मे के दिन फिर उपजा 10 जून को और फिर उत्तर प्रदेश के लगभग 14 से 15 जिलों के सहित कई राज्यों में इसकी जो गर्माहट है वो देखने को मिली। मामला बड़ा था, मामला था नुपुर शर्मा के बयान का और उसके बाद पत्थरबाजी के चलते ये मामला इतना गर्मा गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कार्रवाई की, उनको पार्टी से निष्कासित किया, पर उसके बावजूद ये मामला लगातार गर्माता रहा। 17 को भी स्थिति बनी, हालांकि बड़ी कोशिश की गई कि खराब स्थिति ना हो और काफ़ी हद तक जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो चाक चौबंद की गई, खासतौर से उत्तर प्रदेश में ड्रोन की निगरानी की गई, कई कंपनियां PAC के लगाई गई और व्यवस्था ऐसी की गई कि कोई भी घटना, अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जा सके, पत्थरबाजी ना हो, नारेबाजी ना हो और एक अलग तरह की व्यवस्था की गई जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और समाज के साथ साथ देश में भी एक खराब संदेश ना जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहाँ पर अगर कोई भी सुगबुगाहट होती है, कोई भी चिंगारी भी होती है तो उसकी जो लपट है वो पूरे देश में नज़र आती है, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो जुमे की नमाज़ है उसको लेकर अलर्ट मोड पर है। आज भी जुमे की नमाज़ थी और आज भी अलर्ट मोड पर रहे और तमाम मस्जिदों के बाहर व्यवस्था चाक चौबंद रही। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब 17 जून को जुमे का दिन था, उस दिन भी देखा गया था कि जो राजधानी लखनऊ के टीले वाली मस्जिद है वहाँ पर जो अधिकारी थे पुलिस के वो नमाजियों को गुलाब के फूल देते हुए नज़र आ रहे थे, अमन चैन का पैगाम देते नज़र आ रहे थे। और साथ ही साथ मेरा मानना यह है कि अगर आप अमन चैन का पैगाम दे रहे हैं तो जो बयानवीर बयान देते हैं और समाज में इस तरह का जहर घोलते हैं उनको भी इस तरह के बयान देना चाहिए कि हमारे देश में सब कुछ बेहतर है, यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पर हमारे देश में वही गंगा जमुनी तहजीब को हम फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुपालन कर रहे हैं और छोटी मोटी घटना होती रहती है पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लिए अलग से व्यवस्था की जाए या हमारे जो मस्जिदों के बाहर अलर्ट किया जाए या ड्रोन की निगरानी की जाए, हमारे देश में सब कुछ बेहतर है। पर ऐसे बयान जो है वो बयानवीरों की तरफ से नहीं आ रहे हैं, केवल केवल जो बयान आते हैं वो विरोध के आते हैं, उपद्रव के आते हैं और आग लगाने के आते हैं। ठंडा करने का बयान, अमन का बयान, चैन का बयान, कोई संदेश कोई देता नज़र नहीं आता है। तो आज हमारी चर्चा का मुद्दा यही है, पहले कुछ बयान सुनते हैं फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। 10 जून को जो प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों में कुछ घटनाएं हुई थी उसको लेकर के हम लोग अपने अलर्टनेस का हाई स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, पूरी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, जो भी हमें पैरामिलिट्री फोर्स बनी मिली हुई है उसका भी हम यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन का भी यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्देश है संवाद और शक्ति, शक्ति तो हम बनाए हुए हैं, संवाद भी बनाए हुए हैं, सारे धर्मगुरु हमारे संपर्क में हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने भी अपने अनुयायियों से रिक्वेस्ट किया है कि आज जुमे की नमाज का दिन है, इबादत का दिन है, आएँ इबादत करें और शांति और सुकून के माहौल में घर वापस जाएँ। वापस जाते समय कोई भी किसी प्रकार का जैसे नारेबाजी, हिंसक प्रदर्शन, जुलूस वगैरह ना करें। देखिए मेरा मानना है कि हिंसा करना गलत बात है, कोई भी हो, किसी भी दल का हो या किसी भी वर्ग का हो, धरना प्रदर्शन करना पूरा जायज है। हमें संविधान 1950 से लागू हुआ जब से हमें इजाजत दी गई, आप अपनी बात रखिए पर बात रखने का तरीका किसी को नुकसान पहुंचाना गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं।
तो आपने बयान देखे, अब हम अपने सारे मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। सफार हुसैन जी हमारे साथ बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, अंकुर सक्सेना जी हमारे साथ रालोद से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रतपाल सिंह सलूजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर साबरी जी मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और सवर्ण महासंघ से हमारे साथ गजेंद्र पार्टी इस चर्चा में मौजूद हैं। तो जो पहला सवाल रहेगा हमारा प्रवक्ता भाजपा से रहेगा, सफार भाई जुमे का मामला रहा, 3 जून का मामला रहा और देखा गया कि एक सुनियोजित हिंसा थी, प्लान बनाया गया और उसके चलते पत्थरबाजी की गई और ऐसा मामला रहा कि जिसकी जो निंदा है वो वैश्विक स्तर पर हुई, जो कि मुस्लिम लीग संगठन है उन्होंने भी इसकी निंदा की, जवाब दे दिया गया। पर उसके बाद से 10 जून को भी कुछ सूचना आई, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, नारेबाजी हुई, उसके बाद 17 जून को प्रयास किया गया कुछ बेहतर करने का और लगातार जुमे पर निगरानी की जा रही है ड्रोन के माध्यम से। तो मेरा मानना है कब तक ये निगरानी चलती रहेगी और अमन जो बयानवीर है जो नफरत की आग को फैलाते हैं वो लोग अमन का संदेश कब देंगे और भारतीय जनता पार्टी में इस पर क्या पक्ष रखेंगे आप? हेलो जी सवार भाई, जी जी आ रही है। एक बात ये कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से हूँ, इसमें कोई पूरी सच्चाई है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो ये बहस चल रही है जुमे की नमाज, ये आवाज बड़ी कम आ रही है, गौरव भाई आवाज बढ़वाइए जी। हेलो जी, ये मुद्दा जो उठा जुमे की नमाज का जो प्रकरण उठा है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर जी के विवादित एक बयान से हुआ। जब नुपुर जी ने यह बयान दिया कि मोहम्मद साहब के ऊपर एक टिप्पणी की उन्होंने, तो उस पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हम लोग कार्यकर्ता थे, हम लोगों ने अपने वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की कि ये बयान उन्होंने गलत दिया है और इनके खिलाफ जो है अब कार्रवाई, तो पार्टी ने उस चीज को संज्ञान में लिया और नुपुर जी को तुरंत पार्टी से निष्कासित किया गया और उनको उनके पद से मुक्त किया गया। भारतीय निकालने में, पार्टी से निष्कासित करने में थोड़ा सा दो चार दिन जो भी हम लोगों की वार्ता के समय जो बातचीत हुई उसमें जो समय लगा वो लगा, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। दूसरी चीज आती है कि जो बयान नुपुर जी ने दिया, क्या हम मुसलमान जो मोहम्मद साहब के ऊपर इतना उबाल आ गया, एक बार डेनमार्क में मोहम्मद साहब का कार्टून बना था तो पूरे भारत में उबाल आ गया था। मैं भारत के मुसलमानों से एक बात पूछता हूँ कि जो ये पत्थरबाजी का सिलसिला है, मुसलमानों का चोली दामन का साथ है। आप अफगानिस्तान में देख लीजिए तो मुसलमान पत्थरबाजी, अब तालिबान पत्थर चलाते रहे, रूस से लड़ते रहे, अमरीका से लड़ते रहे। उसके बाद में आप कश्मीर में देख लीजिए कि कश्मीर के जो अलगाववादी थे वो सेना से पत्थरबाजी करते रहे। तो पत्थरबाजी करना जो है वो एक शरीयत का हिस्सा बना लिया है इन्होंने कि कोई भी काम होगा साहब हम पत्थर चलाएंगे, और कोई रास्ता मुसलमानों के पास बचा नहीं है कि हम अपनी बात शांतिपूर्वक करें, क्योंकि हमारे जो मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी जो जिनके इशारे पर मुसलमान नाचता है, बंदर की तरह नचाते हैं, उन्होंने कभी जोर ध्यान नहीं दिया कि मुस्लिम समाज पढ़े लिखे। अगर पढ़ा लिखा होता तो वो अपनी बात को ईमानदारी से रखता। अब रही बात एक बयान पर, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि हम मोहम्मद साहब के कितने उसूलों पर चलने वाले लोग हैं, ये इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई मान लिया कि मैं नुपुर शर्मा की बात नहीं कर रहा, मैं कभी अमेरिका में कभी कहीं किसी भी तरह की मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की जाती है और उनका काम है टिप्पणी करना, वो करेंगे। हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं, उनके उसूलों पर चलते हैं, उनके उनकी शरीयत पर चलते हैं और उनके जो उन्होंने कार्य किए उसको सुन्नत बोलते हैं, हम उनके सुन्नतों पर अमल करते हैं। क्या हम मुसलमान भारत के उनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं? कोई अमल नहीं करता। हम कितने मुसलमान ऐसे होंगे जो दाढ़ी रखते हैं, नहीं दाढ़ी रखते हैं, उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी बोल देता है तो मेरे हाथ में सिर्फ मुसलमानों के हाथ में पत्थर आ जाता है। ये एक बहुत मतलब निंदनीय घटना है। ये सिर्फ इसके जो आरोपी है वो सिर्फ बड़े जो हमारे वो धर्म के ठेकेदार हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह कश्मीर में पत्थरबाज थे उनको भारत के बाहर से भी देशों से फंडिंग होती, उसी तरह इस जो पत्थरबाजी जुमे में हो रही ये पूरा एक प्री प्लान है, और प्रदर्शन करने का, अपनी बात कहने का और भी बहुत से तरीके हैं। आप राष्ट्रपति को ज्ञापन दे सकते हैं, आप प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे सकते हैं, आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहां के गवर्नर को ज्ञापन देकर के अपनी बात को कह सकते हैं, उसमें खुद भी कुछ बुद्धिजीवी जा करके उस गवर्नर साहब से मिल सकते हैं कि देखिए भाई हमारे धर्म के हमारे जिनके हम फॉलोअर हैं जिनके ऊपर हम अपनी जान निछावर कर सकते हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी हुई है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि देश में कुछ लोग अमन नहीं चाहते हैं। उसमें कुछ जो हमारे, अब आपने देखा होगा जिस तरह बरेली में प्रदर्शन कराया जा रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, इस तरह के जो लोग भारत से जो हमारे जो धर्म के ठेकेदार बने हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ का हिंदू मुसलमान अमन और शांति से रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमन और शांति कुछ लोग नहीं चाह रहे, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80% मुसलमान हिंदू समाज के साथ मिलजुल कर अमन के साथ रहना चाहता है, और जो 2-4% के लोग ये बचते हैं जो इस तरह का देश में इंतजार पैदा करना चाहते हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं, उसके लिए मैं उन मुसलमानों से खुले तौर पर कहना चाहता हूँ कि योगी जी का बुलडोजर तैयार बैठा हुआ है, आप अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा। यह मुद्दा ये भी है कि भाजपा द्वारा जो जिस तरह सरकार द्वारा जिस तरह से अलर्ट किया गया है, ड्रोन से निगरानी कराई जा रही है, कई कंपनियां पीएससी के लगी हैं, भारी संख्या में सुरक्षा बल मस्जिदों के बाहर तैनात किया गया है। मेरा मानना है कि धर्मगुरुओं से मिलकर और एक आपसी भाईचारा बैठक करके क्या इस जो माहौल को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर इस तरह के धार्मिक पहरे और इस तरह के पहरे क्या बेहतर हैं, तो क्या इस मामले का पटाक्षेप नहीं होना चाहिए? देखिए, जो सरकार का काम होता है अमन और शांति को बनाए रखना, उसके लिए अगर मिलिट्री भी लगानी पड़ेगी तो मिलिट्री भी लगाई जाएगी। जो स्पोर्ट लगी है, क्योंकि जुमे की नमाज में मुसलमान एकत्रित होते हैं और जो पैसा लेकर के जो मस्जिद के इमाम होते हैं इनको फंडिंग की जाती है, तो ये उन मुसलमानों को अपनी तकलीफ से भड़काने का काम करते हैं और वहीं से वो लोग सड़क पर उतर के आते हैं। सरकार मुस्तैद है और किसी भी तरह का ढील नहीं करेगी, क्योंकि अगर जरा सी भी आग लगी तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू की हमारे जो ये धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने इस भारत को आग के ऊपर बैठा रखा है, कोई बहुत बहुत बड़ी भी घटना ये लोग करा सकते हैं। तो सरकार मुस्तैद है और जो भी मस्जिदें हैं जुमे के, नहीं मैं तो अपील करूंगा कि मस्जिद के बाहर हमेशा जो है, मस्जिद हो या मंदिर कहीं पर भी हो, स्पोर्ट्स लगाई जाए जब तक ये माहौल इस देश में चलना है। ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता मुस्तैदी से काम कर रही है, इसके लिए धन्यवाद की बात जी। और मेहमान को लेते हैं, हमारे साथ सपा से तारिक खान जी मौजूद। तारिक जी, पूरी बात सुनी आपने, बयान भी सुने और किस तरह से व्यवस्था की गई है, और इनका कहना है कि ऐसी व्यवस्था हमेशा रहनी चाहिए। क्या मानते हैं, ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में हमारी गंगा जमनी तहजीब उसके लिए बेहतर होगी या खराब? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये बेहतर है कि हम संवाद स्थापित करें, और जिले लेवल पे संवाद स्थापित किया गया है। अब देखिए, भाजपा के प्रवक्ता, इनको खुद नहीं पता कि जिले लेवल पे संवाद स्थापित किया गया है। मैं इन्हीं की सरकार की बात कर बता रहा हूँ। डीएम और एसपी ने हर जिले में पीस कमेटी की जो मेंबर्स हैं उनको बुलाकर 4-4, 5-5 राउंड मीटिंग की है। मैं खुद उसका मेंबर हूँ, और उसमें वाकई में अच्छा एक संदेश देने की कोशिश की गई। उसमें सभी धर्मगुरु थे कि ये सब जो चीज़ें चल रही हैं इसको कम किया जाए। बाकी दूसरी बात, एक बात और भाजपा प्रवक्ता ने कही कि पत्थरबाजी, इसको लग रहा है शरीयत का हिस्सा बनाया जा रहा है, ये मुसलमान होने के नाते बहुत गलत बात कही, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए इनको। तीसरी बात, इन्होंने कही कि मुसलमान पढ़ाई की तरफ जाए, कैसे जाएगा? 3,000-4,000 करोड़ का जो बजट था माइनॉरिटी एजुकेशन का उत्तर प्रदेश का, 1100, 1200, 1400 पे आप लेके आए हैं, हम थोड़ी ना लेके आए हैं। आपने किया क्या है मुसलमानों के लिए? आप ये अंग्रेजी में एक वर्ड होता है हिपोक्रेटिक, हिपोक्रेटिक मतलब आप वही बोल रहे हैं जो आप बिल्कुल नहीं करते हैं। और तीसरी चौथी बात कहता हूँ कि मैं समाजवादी क्या होने के साथ साथ मुसलमान भी हूँ, तो मुसलमानों को कतई जुमे को इस तरीके से न जोड़ा जाए कि उस दिन कोई और काम किया जाता है, जुमा इसलिए बनाए कि उस दिन नमाज पढ़ी जाती है, लोग नमाज पढ़ के वहां से तुरंत अपने घर जाते हैं, और यही अपील की गई। और आप देख लीजिए कि ये लोगों का एफर्ट है, सोसाइटी का एफर्ट है, इसमें किसी को ना, मैं किसी एक किसी बताने का टेस्ट करेंगे, जो मस्जिद के बाहर जो पत्थर चला रहे हैं वो पाकिस्तान से आए हैं क्या? देखिए, मुसलमान नहीं है भारत से? चलिए, सुन लीजिए पहले, पूरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। पेन लीजिए, आप मेरे जो सवाल है उसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने बिल्कुल सही कहा, मुसलमानों ने पत्थर को शरीयत बना। सवाल भाई, आप दोबारा मौका मिलेगा बोलने का। तारे भाई, बारपुरी भाई और मेहमान को जोड़ना। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख लें, बाद में सवाल कर लें, तो उसको उससे न जोड़ें। एक और लास्ट बात कह दूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह सोचने की जरूरत है कि आप ज्यादा ध्यान बाहर के जो देश हैं वो क्या बोल रहे हैं उस पर ना दें, क्योंकि हम यहां मिलजुल के साथ में रहते आए हैं और वैसे ही रहते रहेंगे। अगर वो कुछ रिएक्ट करते हैं या वो कह रहे हैं तो यहां कुछ होगा, तो वो हम ही को देखना है, वो नहीं आएंगे हमारे लिए। हाँ, वो बोल देंगे, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है कि हम लोग मिलजुल के साथ में जैसे कई सालों से रहते आए वैसे ही रहते हैं, और ज्यादा उन पर ना ध्यान दें कि कतर क्या कह रहा है, सऊदी क्या कह रहा है,
वो अगर कह रहा है तो ठीक है, कह रहा है तो ठीक है, वो उनका अपना मैटर, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उससे इत्तेफाक नहीं रखता कि उन्होंने अगर कुछ कहा, हम आपसी मुद्दे अपने सुलझाने में सक्षम है, हम मिल बैठ के इस मुद्दे को सुलझाएंगे। और एक स्टेटमेंट लास्ट में कह दूं, डोगाल साहब ने भी, डोगाल साहब से ज्यादा रिस्पेक्टफुल इस टाइम कोई नहीं होगा, उन्होंने भी कहा कि भारत की छवि खराब हुई है नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट से। तो अब इस चीज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि छवि खराब हुई है नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को, ठीक है उसको ठीक कर लिया जाएगा। और उसके बाद ये ज्यादा मुसलमानों को मेरे लिहाज से ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि बाहर के देश क्या कह रहे हैं, हम इंटैक्ट हैं, हम आपस में साथ में, हम इस मसले का हल निकाल लेंगे, आपको ज्यादा बाहर से परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारे साथ आरएलडी से अंकुर सक्सेना जुड़े हुए हैं। अंकुर भाई, लगातार माहौल आप देख रहे हैं, सतर्कता बढ़ती जा रही है, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा भी है कि सतर्कता बरसेंगे और कोई ना कोई अगर अप्रिय घटना होगी तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और कोई घटना यहाँ पर घटने नहीं दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। क्या मानते हैं कि अमन चैन का संदेश कौन देगा, पहल कौन करेगा? पीस कमेटी की बैठक हो रही है, संदेश दिया जा रहा है, पर जो बयानवीर हैं, जो आग लगाते हैं, वो बयानवीरों का बयान कब आएगा कि देश में सब कुछ ठीक है, अब कोई भी अप्रिय घटना देश में नहीं घटेगी, हम सब भाई भाई हैं, इस तरह का पैगाम कब आएंगे? सबसे पहले तो मैं किसी भी तरीके का राष्ट्रीय लोक दल का प्रवक्ता प्रतिनिधि होने के माध्यम से किसी भी तरीके के उपद्रव का, किसी भी प्रकार के अशांत माहौल का या अपनी मांगों के समर्थन में किसी भी प्रकार के भय या बल के प्रयोग का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। और एक सामान्य नागरिक की हैसियत से मैं भी ये चाहूंगा कि प्रदेश में जो भी सत्ता रहे, चाहे वो सत्ता पक्ष हमारी हो चाहे विपक्ष की हो, उसमें कोई भी हो, लेकिन प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए। अब सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय द्वारा हमारे यहाँ के जो सम्मानित नागरिक हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, उनको लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट के परिप्रेक्ष्य में केवल इतना कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थकों का, अपने कार्यकर्ताओं का किस प्रकार ब्रेन वॉश करता है, इसका अनुपम उदाहरण आज आपकी डिबेट में आपके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय हैं उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आज शुक्रवार है, मुस्लिम वर्ग से लेकर आपने जो टिप्पणी की है, हमारा ऐसा मानना है कि हम लोग गंगा जननी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, हर धर्म सर्व धर्म संभाव को लेकर हम लोग चलते हैं, हर वर्ग में आपने कहा 80% के करीब जो है मुस्लिम जो है सही है, 20% जो है वो नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। मेरा ये मानना है कि 99% हर धर्म के लोग अच्छे होते हैं, केवल जो 1% या पॉइंट में जिनकी गिनती होती है असली मसला वो लोग क्रिएट करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन के हो, उनको आप किसी भी नाम किसी भी करेक्टर से पुकारेंगे, लेकिन हर धर्म में मात्र 1% या कुछ पॉइंट में परसेंटेज होती है जो किसी भी समस्या के कारक बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, हम लोग हर किसी के घर पे बुलडोजर चला देंगे, तो मेरे भाई अगर आप बुलडोजर चला सकते हैं तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप बुलडोजर उन लोगों के घर पे भी चलाइए जिन्होंने अभी हाल ही में आर्मी भर्ती के मामले में जो उपद्रव हुए उसमें रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, उन लोगों पे बुलडोजर चलाइए जिन्होंने बसें फूकी हैं, वो चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय को, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय से एक सवाल का जवाब और चाहता हूं, आपने ये एक्सेप्ट किया कि नुपुर शर्मा ने एक गलत स्टेटमेंट दिया जिसको लेकर आपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आप लोगों ने कंप्लेन की और उन्होंने उनको पार्टी से निष्कासित किया, स्वागत है, निष्कासित किया ये उनकी मजबूरी है या उनकी मनोदशा है, इसका कोई उचित जवाब आप नहीं दे सकते, क्योंकि एक तरफ अगर आप ये कहते हैं कि एक स्टेटमेंट देने के बाद आपने नुपुर शर्मा को पार्टी से बर्खास्त किया है, तो उसी मामले में अजय मिश्रा टेनी जो आपके गृह राज्य मंत्री बने बैठे हुए हैं, जिनके पुत्र और जिनके ऊपर स्वयं भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था और जिनके पुत्र आज की डेट में जेल के अंदर हैं, उनको आपने अपनी पार्लियामेंट्री कैबिनेट में ले रखा है, उनको लेकर आप लोगों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, नुपुर शर्मा ने आप खुद एडमिट कर रहे हो एक गलत स्टेटमेंट दिया तो नुपुर शर्मा आज की डेट में है कहां? नुपुर शर्मा के ऊपर रासुका क्यों नहीं लगाई गई? नुपुर शर्मा को आज की डेट में अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों नुपुर शर्मा आज की डेट में, क्या हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना गया गुजरा है कि जिस तरीके से आपने मणिलाल पाटीदार फरार आईपीएस उत्तर प्रदेश में, आज की डेट में मणिलाल पाटीदार को आप नहीं पकड़ पाए, उसी तरीके से क्या नुपुर शर्मा का भी कुछ कनेक्शन ऐसा है कि आज की डेट में नुपुर शर्मा को आप अरेस्ट नहीं कर सकते? ये सब सवाल वो है जो आपके दोहरे चाल चरित्र को इंगित कर रहे हैं, इसलिए आप करवट निवेदन है प्रदेश में जो चाहे हमारे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, चाहे किसी भी वर्ग एवं संप्रदाय के लोग हो,
कृपया उनके बीच में एक ऐसा बॉन्ड मत फैलाइए कि आप कुछ बोलेंगे तो आपको बोलने की स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन उन 1% या 0.1% जेन्युइन लोगों के खिलाफ कीजिए जो वास्तव में पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं, ना कि आप भय और डर का माहौल क्रिएट करें। ठीक है भाई, ठीक है भाई। हमारे साथ प्रितपाल सिंह सलूजा जी हमारी पार्टी जुड़े हुए हैं। प्रितपाल जी, पूरी बात सुनी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आवाज मेरे तक आ पाई? नहीं, अंकुर भाई की भी आवाज आ पाई, आवाज आपकी आई है बस। जी जी। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, वर्तमान में जो आपका विषय है, तक जुम्मे वाले दिन नजर रखी जाएगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी थोड़ी बात जो प्रवक्ता जो की सुनने में आई कि लोग अगर गलत करेंगे, कानून को तोड़ेंगे तो योगी जी का बुलडोजर है। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी हूँ, मैं स्वयं या आप भी या जितने प्रवक्ते यहाँ बैठे हुए जो समझते हैं, जो संविधान के बारे में जानते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, वो सीधा कहेंगे देश जो चलेगा वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार चलेगा। जिस देश में नारा है गौरव जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आज उनको लड़ाने के लिए कौन आ? ये बताइए, सत्ता पक्ष से आवाजें आती है या विपक्ष पक्ष से आवाजें आती है? बुलडोजर जो चलना चाहिए वो सत्ता पक्ष के ऊपर चलना चाहिए या विपक्ष के ऊपर चलना चाहिए? बुलडोजर हर उस व्यक्ति के ऊपर चलना चाहिए देश के स्वार्थ को बिगाड़ने का काम या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करता है। तो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किसने शुरुआत की है? जिस देश का प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हो, जिस देश का गृह मंत्री कोई अपनी बात न रखता हो, जिस देश का जो हमारा संविधान है उसकी इज्जत करने वाली हमारी सत्ता में बैठी सत्ता में कांग्रेस सरकार जो है वो एक बार भी अपील ना करती हो, उस देश में स्वार्थ की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? आम आदमी पार्टी ये साफ इस बात को मानती है कि जहां भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से हम लोग भटके हैं, हम जब तक उस संविधान को इज्जत नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उस संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक देश में स्वार्थ स्थापित नहीं होने वाला। आज नूपुर शर्मा को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, नवीन जिंदल को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया कड़वे बयान दे हुए, 1 हफ्ते तक देश का कानून चुप बैठा रहा, देश की सरकार चुप बैठे रही। जब देश की सरकारों ने जब आप पे दबाव बनाना शुरू किया, तब जाके आप आज स्वार्थ कर रहे हो, आप मस्जिद के बाहर जाके गुलाब के फूल उनको दे रहे हो, तो आप ऐसी हरकत होने देते हो कि क्यों किसी धर्म के धर्म गुरु के नाम पे या किसी ऐसे, हम कहते हैं चाहे राम जी हो, भगवान हो, अल्लाह हो, जीसस हो, महावीर जी हो, बुद्ध जी हो, जो भी है, उनके लिए हम बुरा क्यों कहें यार? उन्होंने अपना योगदान दिया है, अपना हर समाज के लिए उन्होंने अपना समय दिया है, उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है। हम कौन होते हैं किसी के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोले? भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता और काबिज है। अगर कोई भी बता, चाहे विपक्ष का व्यक्ति बोले चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति बोले, बिना किसी के वो देखी देखे हुए वो संविधान का जो जो कानून हमारा कहता है उसके तहत उनको गिरफ्तारी करे। आज क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी कराई? नवीन जिंदल क्यों बाहर? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना गौरव जी ये है, जिस देश का प्रधानमंत्री दिल्ली के चुनाव में क्या कह रहा था, कैसे आग उबाले जा रहे थे, देश का गृह मंत्री कैसे आग उगल रहा था, देश का रक्षा मंत्री कैसे आग उगल रहे थे, दिल्ली के चुनाव में आपने ठाकुर साहब कैसे बयान दे रहे थे, गोली मारो, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करे, तो आप क्या समझते हैं? अगर आप आम का पेड़ बोएंगे तो आम निकलेगा, बबूल का बोएंगे तो आम तो मिलना नहीं है। जिस देश में एक इंस्पेक्टर आप समझ लीजिए जो कानून व्यवस्था को संभाल जाता सुबोध सिंह, उसको भीड़ मार देती है, मौत मार देती है, आज तक उसको कोई इंसाफ नहीं मिलता। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे भाषण देने के बजाय अपने नेताओं को संभाल, जहां कोई गलत करे कानून के साथ बुलडोजर चलता बुलडोजर चलाए, गोली चलते गोली चलाए, फांसी होने फांसी दे, कोई मना तो नहीं कर रहा, मतलब कानून की व्यवस्था खराब आपके तरफ से हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, उसको सुधारे। ठीक है भाई, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में आमिर साबरी जी मौजूद है। आमिर साबरी जी, आपने सबके बयान सुने, बीजेपी प्रवक्ता का बयान भी सुने, उन्होंने क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया गौरव जी। जी, एक उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ गए वेंकैया नायडू जी, जिनको सम्मान मिलने के बाद उन्होंने एक बयान दिया, रिटर्न में दिया है कि ये फ्रेंच एलिमेंट हैं। अच्छा, तो ये हमारे शफा हुसैन जो भाजपा प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इन्होंने बेहयाई का लिबादा ओढ़ रखा है, और जिस तरीके से ये बात कर रहे थे कि मुस्लिम पत्थरबाज हैं, इन्होंने बताइए 72 जिले लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, 72 जिलों में कहां कहां पत्थरबाजी हुई, हिंसा कानपुर से शुरू हुई, और कानपुर में वो नमाज़ पढ़ करके संवैधानिक तौर पर नारे लगा रहे थे नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ, पुलिस ने पथराव करा, इसकी वीडियो मौजूद है, एक नहीं दर्जनों वीडियो वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों पर। उसके बाद पुलिस के पीछे से
जो वास्तव में अराजकता था, जो इनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो छतों पर से ही पत्थर चला रहे थे, पीछे से पेट्रोल पंप चला रहे थे। इसके वीडियो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ आपको, मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि पत्थर किधर चले, लेकिन उन्होंने एक बड़ा जुमला शरीयत से जोड़ दिया। अभी शरीयत का जो सीन है, ये उससे भी वाकिफ नहीं होंगे कि शरीयत है क्या चीज़। शरीयत तो ये कह रही है, कुरान ये कह रहा है, या अय्युहल लज़ीना आमनू ला यस्कर कौमुन मिन कौमिन असा यकूना खैरम मिनहुम, कि तुम दूसरी कौमों का मजाक भी ना उड़ाओ। पत्थर मारना तो बहुत बड़ी बात हो गई। शफात जी को ये मालूम होना चाहिए, इनके नाम के आगे हुसैन भी लगाए, इन्हें हुसैन की खाली कुर्बानी करबला की याद कर लेना चाहिए, तो इनकी समझ में आ जाएगा कि हम तो सब कुछ लुटाने वाले हैं, लूटने वाले नहीं हैं। हमेशा प्रेरित किया जाता है इस बात को लेकर के कि आप प्रेरित होकर के पत्थर चलाएं। आप पूरे वीडियो देख लीजिए, 72 जिलों में कहाँ का दंगा हुआ है। और उससे बड़ा उदाहरण मैं लखनऊ का देता हूँ कि लखनऊ में टीले वाली मस्जिद में पिछले बृहस्पति को थर्सडे को 16 तारीख थी, और 16 तारीख को पुलिस ने कम से कम 250 युवाओं के 12 साल से लेके 20 साल तक के युवाओं के फोटो लगाए, और उसमें लिखा ये अराजक तत्व हैं, जहाँ कहीं भी मिले मुझे फ़ोन करके बताया जाए और इनको बताने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसका मतलब ये पुलिस लखनऊ का भी माहौल बिगाड़ना चाहती थी। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है गौरव जी कि पुलिस को पूरा प्लान था लखनऊ का माहौल बिगाड़ने का, लेकिन किसको हटाया गया? आपको कोई जानकारी है? अरे कोई जानकारी है आपको? नहीं, उसकी जानकारी है जमहूरियत है, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप जितने नारायण त्यागी बन जाइए, कोई नहीं रोकने जा रहा है आपको। आप लेकिन अब गांधी वाला दौर नहीं है की एक तमाचा मारा तो दूसरा बिगाड़ कर दिया, ऐसा नहीं है। इनका जवाब पत्थर से देना चाहिए और बिल्कुल देना चाहिए। मैं इस समर्थन इसका समर्थन करता हूँ। मैं मेरे घर पर पत्थर चलाओगे, झूठ बोलते हुए साथी भी हमारे साथ मौजूद है। गजेंद्र भाई पूरी बात सुनी, आमिर साबरी भाई का कहना है कि वहाँ पर जो साजिश थी वो सुनियोजित नहीं थी, और वहाँ पर और बच्चों द्वारा पत्थर चलाए गए, पेट्रोल बम फेंके गए। हालांकि जो खुलासा है वो कुछ और हो रहा है कि कहाँ से फंडेड हुई है और कहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप चलाए गए थे, वो जाँच का विषय है। फिलहाल आज का मुद्दा हमारा दूसरा है। गजेंद्र भाई क्या राय है आपकी कि कब तक निगरानी होती रहेगी और अमन और संदेश, अमन के लिए संदेश कब दिया जाएगा, कब इस तरह का मामला है पटाक्षेप होगा? देखिए दो चीज़ है गौरव भाई, जो आज के डेट में बयानवीर जो हैं, जो बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, सारी समस्या यही है और इस समस्या का निदान सरकार ही कर सकती है, सोसाइटी नहीं कर सकती। ऐसे बयानवीरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी कोई हिंदुस्तान में मुसलमान शांति की बात करता है, सौहार्द का बात करता है, तो उसको एक पक्ष मुस्लिम पक्ष ही खड़ा हो जाता है, कहता है तुम हिंदू हो जाओ। माने आप सौहार्द की बात करना बंद कर दें। जो एक पक्ष कह रहा है, देखिए मैं इस डिबेट में एक बात कहता हूं और हमने पूर्व में भी कहा है कि यहाँ पर ऐसा लोग करना चाहते हैं कि देश दो भाग में बटा रहे, एक मुस्लिम पक्ष रहे, एक हिंदू पक्ष रहे।
जब भी कोई मुसलमान, जब भी कोई हिंदू मुसलमानों की बात कर दे, भाई सही गलत की बात तो कही जाए, जो इस मंच पे आएगा वो अपने अपने देश की बात करेगा। अब पत्थरबाजों को आप उनके रक्षक नहीं बन सकते, और सरकार के गलत किसी भी काम के भी आप रक्षक नहीं बन सकते। आप यहां आएंगे तो समाज को, इस राष्ट्र को अपनी बात कहेंगे कि ये सही है और ये गलत है। शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए समाज एकत्रित हो सकता है और समाज कार्य कर सकता है, जैसा कि अभी इसी कार्यक्रम में आपको देखने को मिला कि निश्चित तौर से जिले के जिलाधिकारी और वहां के अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं, शांति व्यवस्था के लिए कार्य कर रहे हैं, ये अनवरत होना चाहिए। लेकिन समस्या यहां है कि आखिर मस्जिद या मंदिर या विद्यालय, उनके आसपास फोर्स कब तक लगा के रखी जाएगी? हम किस देश में जीने जा रहे हैं? क्या हम ऐसा देश, ऐसा समाज, ऐसा जीवन जीना चाहते हैं क्या? पत्थरबाजों के ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पक्ष उनके समर्थन में आ रहे हैं जी, उनसे निवेदन है कि कृपया इस देश के युवाओं को उनके हाथ में किताब की बात करें, आप पत्थर की बात मत करें। बहुत पत्थर चल चुका कश्मीर से लेकर के और आज तक, नतीजा सामने है, किताब के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आपको अगर कोई नाराजगी है किसी से, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्थाएं जीवंत हैं यहां पर, आप उस आधार पर उस रास्ते से जाएं, अपनी बात कहें। लेकिन अगर पत्थर उठेंगे, गोली चलेगी, बमबाजी होगी, तो सरकार जो भी रहेगी, आज है कल कोई दूसरा होगा, यह लोकतंत्र है, कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन कोई भी रहेगा तो ऐसे कुकृत का जवाब संवैधानिक व्यवस्था से देगा, और ऐसे ही कुचले जाएंगे। चलिए अमर भाई, जवाब दीजिए, फिर साहब रवि को लेते हैं। देखिए, बहुत गजेंद्र जी ने बहुत सुलझी हुई बात करी है, लेकिन एक बात तो बड़ी इस पर समझिए, ये पत्थरबाजी का एक बात बार बार कही जा रही है। अभी आप बताइए, अभी पिछले अभी हफ्ते में इतना बड़ा भयानक बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और तमाम मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुए। आप देखिए, अभी इसी उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिलों में प्रदर्शन हुआ है, और सिकंदराबाद की जो स्टेशन बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर FIR हुई है, वही मैं कह रहा हूँ, आप बताइए कितनों पर बिल्डोजर चले। देखिए, एक बात बार बार ये करना, एक समुदाय को टारगेट करना बिल्डोजर के नाम पे और पत्थर के नाम पे, ये गौरव भाई कतई न्यायिक नहीं है, ये आप तो समझ लीजिए। ये किसी, इसका मतलब ये है कि आप एक समुदाय को दबा के रखना चाहते हैं, और एक बात ये समझ लीजिए, ये इंसानी फितरत नहीं बल्कि हर चीज की फितरत है कि जिसको जितना दबाया जाएगा वो उतना उछलेगी। बुलडोजर अमर भाई राजधानी में कई लोग पे चले हैं, वो कहाँ चले? मुस्लिम समुदाय से नहीं है, एक नहीं, देखिए वो बुलडोजर चले, दूसरी चीज चले, वो चले अवैध बिल्डिंगों पर। और जहां तक अवैध बिल्डिंगों का मामला है, तो आप गौरव जी ये समझ लीजिए कि इसके लिए LDA जिम्मेदार है। पहले तो वो 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए पर स्लैब लेता है, और उसके बाद जब ऊपर के बड़े अधिकारी परेशान करने लगते हैं या बहुत दबाव बनाते हैं, तब वही बिल्डोजर उन्हीं बिल्डिंगों पर चल जाता है जो 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का स्लैब कर दे चुके होते हैं। ये भी न्याय नहीं है, ये भी न्याय नहीं, ये बिल्कुल सरकारी आतंक है, और मुझे कहने में कोई मतलब डर नहीं है कि सरकारी आतंक है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को इसको संज्ञान लेना चाहिए, और इस पर बड़ी कार्रवाई उन अधिकारियों पर करना चाहिए जो पैसा लेने के बाद भी बिल्डोजर चलाते हैं या आंखें मूंदे रहते हैं, तब क्यों सरकार को नहीं दिखता है? क्या सरकार को मोतियाबिंद हो जाता है, या उन अधिकारियों को मोतियाबिंद हो जाता है कि उनको नहीं दिखता है? और एक ये बात मैं बता रहा हूँ, छोटे जय की, अब जय लेता है तो अपनी मर्जी नहीं लेता है, वो ऊपर तलक देता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो कहते भी इस बात के लिए कि 50,000 जो स्लैब का आप दे रहे हैं या 1,00,000 रुपया, ये मेरी जेब में नहीं जा रहा है, मुझे ऊपर तक देना। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, और सरकार ने उस पर हलफनामा भी अपना जमा किया है, सबमिट किया है, और बोला है कि जो भी कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की, वो न्यायोचित है, सबको नोटिस दिए गए, और नोटिस के बाद जब कोई जवाब नहीं आया उसके बाद कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, यही नहीं बहुत सारे मामले आते हैं। और जहां तक पत्थरबाजी का, देखिए गौरव जी, आप तो चूंकि बड़े चैनल के एंकर हैं, आप बता दिए कितने 72 दिनों में कितने जगह पत्थर चले हैं, लेकिन एक समुदाय को बदनाम करना, पत्थरबाज कह देना, जैसे हमारे गजेंद्र जी कह रहे हैं बड़ी कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए वास्तव में जो गलत पत्थर चला रहा हूं, लेकिन जो संवैधानिक
तौर से मेरा अधिकार के संविधान में हम नहीं आते अंतर्गत, हमारा भी तो अधिकार है जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का, हमारा भी तो अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, क्यों हमें टारगेट बना दिया जाता है? एनआरसी सीए पे प्रोटेस्ट जितने भी हुए सब बिल्कुल हिंसात्मक रूप में हुए, लेकिन उसको हिंसात्मक रूप में हुए उसको हिंसा के रूप में तब्दील कर दिया गया। नहीं हुए अमर भाई, आप बताइए, इसी राजधानी लखनऊ में गाड़ियां जलाई गई, एक लड़के को गोली मारी गई, नहीं वो भी पुलिस ने जलाई है, मेरी भी एक गाड़ी जली उसमें, आज तक सारा मुआवजा नहीं मिला। मीडिया की गाड़ी भी जलाई गई, मीडिया की गाड़ी बता रहा हूं, मेरी गाड़ी जली मुझे मुआवजा नहीं मिला। तो वो अहिंसा वाला मामला कहां रहा? पुराने सरकारों में मुआवजा मिल जाता था, सरकार में तो मीडिया को भी मुआवजा नहीं मिला, कैमरा टूटे उसका मुआवजा नहीं मिला, और क्या आप बात कर रही है? चलिए सर, बाबा जी का बुलडोजर जिंदाबाद। चलिए समय कम है, सवार भाई को ले लेते हैं, फिर और मेहमानों को लेते हैं। सवार भाई जी, पूरी बात सुना अपने भाइयों को जी, और मुझे लगता है कि ये हमको ही इस्लाम समझाने लगे। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो जिले में डीएम साहब अगर मीटिंग कर रहे हैं कि आपसी सौहार्द बना रहे, किसी तरह का माहौल ना बिगड़े, तो उसके लिए तो हमारी सरकार को ताली बजाकर स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो यह प्रदेश जल रहा होता जैसे मुजफ्फरनगर जल रहा। इस बात के लिए इनको सोचना चाहिए कि हमारी सरकार के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि आप जिलों में जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उनके साथ बैठक करिए, किसी भी तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। उन मुस्लिम बुद्धिजीवियों की भी तो तारीफ कर दीजिए, मुस्लिम मुझे बोलने दीजिए मैं बोला था। इन्होंने, मेरे भाई ने कहा कि जिलों में जो है वो मीटिंगें हो रही, मैं पूछना चाहता हूँ जिले के जो जो मौजूद लोग हैं उनसे मुस्लिम समाज नहीं चलता, मुस्लिम समाज जो नेटवर्क चलता है वो देवबंद से चलता है, सहारनपुर से चलता है, नदवे से चलता है, क्या यहाँ के मौलानाओं ने इस प्रकरण में बात करने की किसी से बात करने की सरकार है देवबंद पे बुलडोजर चला दीजिए, क्योंकि पीएफआई इसमें जो है बहुत अहम भूमिका निभा रही है फंडिंग करने में इस तरह, और कई जो है कई दंगे हुए जिसमें पीएफआई का नाम सामने आया है और उसके खिलाफ जांच चल रही है और उसके सबूत आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ अगर जिलों में वार्ता हो रही है तो हमारी सरकार की उपलब्धि है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हों। ये समाजवादी पार्टी का जो है तृप्त था कि मुजफ्फरनगर में जिस तरह के दंगे हुए, आज भी मुसलमान जो है वो कैंपों में रह रहा है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। रही बात शरीयत की, शरीयत के हिसाब से जो मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैंने बिल्कुल सही कहा, आप लोगों ने उसको धर्म बना दिया कि जहाँ कुछ काम हो पत्थर उठा लो। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितने दिनों पत्थर चले शहबाज जी, जरा इसकी भी व्याख्या कर दीजिए। अरे बता दिए कितने दिनों पत्थर चले, 72 दिन उत्तर प्रदेश की सरकार। अरे शहबाज जी, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, बताइए तो सही। करने देखिए सरकार, आप बात करते हैं मुस्लिम हिंद की बात, चाहिए मदरसा बोर्ड में देखिए जाकर के, कोफ्ते में रजिस्ट्रेशन नहीं, डिग्री में मार्कशीट है, सब पर्ची तरीके से देखा हुआ है, जहाँ 100 रुपए में काम होता है 1000 रुपए में भी काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है शहबाज जी आपकी सरकार में। आप जो बिल्डिंगों की बात कर रहे हैं, जो बिल्डिंग आज गिराई जा रही है, किसकी सरकार में बनी? समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी, कांग्रेस की सरकार में बनी, बसपा की सरकार में बनी, आज हमारी सरकार उनको गिराने का काम कर रही है। हमारी सरकार में कोई आवाज नहीं हुआ, हमारे परिवार को गिराने का काम किया हमारी सरकार ने, समझा बना रखा तुमने, झूठ बोलते हो, मक्कारी करते हो, बहुत मासूम है आप वाकई शहबाज जी, बहुत मासूम है। चले तारिक भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, मासूम है, मासूम नहीं है, तुम बहुत बड़े मासूम हो, मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को कटवा दिया समाजवादी पार्टी सरकार ने, और आप कहते हो मासूम है। चलिए अभी अभी मुजफ्फरनगर का आरोपी अभी अभी जेल से बाहर आया आपका आसम का, वो क्या आरोप पीटा वो, देखिए देखिए सफर भाई, तारिक भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, तारिक भाई बोलिए। थोड़ा थोड़ा तारीफ कर देते, अगर आपको खुद पता नहीं है कि मीटिंग हो रही है, पहले आप पता कर लेते कि जिला लेवल पे मीटिंग हो रही है, उसके बाद आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, उसके बाद आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, इस चीज को तो पता कर लीजिए। मीटिंग हो रही है तो हमारे सरकार क्यों करती है, जो लोग बरेली में कह रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो आपका हिस्सा है, लेकिन 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 उनकी भी तारीफ करिए। आप अभी साबरी साहब ने अभी कहा कि आप 72 जिले में कितनी जगह कुछ हुआ है, आप बताइए गिनाइए, आप 75 जिलों में कहाँ पर हुआ कुछ। हमारी सरकार दंगे को रोकने का काम करती है, दंगा कराने का काम नहीं करती है। नहीं नहीं, वो तो आपके बयान, आपके जो नेता है उसके बयान गिनाना शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी, आपके नेताओं के बयान गिनाना शुरू करूंगा जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए करते हैं, वो शाम हो जाएगी, उनमें इतनी बड़ी लिस्ट है। आज मुसलमान जो हाशिए पर है, आप लोग, मैं तो कहता हूँ आप लोगों की पार्टी जो है वो एक ट्रेनिंग कैंप चलाती है कि किस तरीके से लोगों को जाकर और गलत किस्म के बयान दिए जाएं, उसमें कितनी बड़ी लिस्ट है वो बताने की जरूरत नहीं है आपको। सरकारों ने मुसलमानों के लिए
मैं पूछ रहा चाहता हूँ जवाब दीजिए, मदरसे का कोस्ते में रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो भी मार्कशीटें मिली है फर्जी मिली है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं फर्जी मार्कशीट। तो आप कार्रवाई, आपकी सरकार आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कहाँ हैं? एक एक करके कार्रवाई, आप कहाँ हैं? आपका ध्यान तो ज्ञानवापी पे है ना, ताकि 2024 से कर रहे हैं आप हैं कहाँ? एक एक मार्कशीट की जांच हो रही है, कार्रवाई हो तो करिए ना कार्रवाई। हमने रोका है क्या? हमने रोका है? हमने विधानसभा में सवाल उठाया क्या? आप कार्रवाई करिए ना। आप तो चाहते हैं कंसंट्रेशन ज्ञानवापी पे रहता ना, नहीं किया जाएगा। एक बात समझ लीजिए, चलिए चलिए हमारे साथ। आप बात करते हो शरीयत की, आप बात करते हो शरीयत की, नहीं शरीयत वाली बात आपने बहुत गलत की, वो नहीं करिए शरीयत की बात यहाँ ना लेके आते हैं। आप राजनीतिक बात करिए ना, आप इस्लामिक बात क्यों लेके आते हैं? आप शरीयत की बात यहाँ ना लेके आइए, यही रिक्वेस्ट हो रही है, यही फंडा, यही इसी पे हम बहस कर रहे हैं कि जो धार्मिक बातें हैं उसको ना लेके आ रहे हैं। आप शरीयत की बात लेके आ रहे हैं, उसको बिल्कुल सफर भाई, सफर भाई, शरीयत का शान नहीं जानते आप, शरीयत की बात करेंगे। गरीबों का हक मार के आप मदरसे में ले जाते हो, ये शरीयत कहती है? चलिए 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 ठीक है, चलिए सफर भाई, चलिए ठीक है। गजेंद्र भाई अपनी बात पूरी करिए, समय समय का मैं दो चीजें हैं सफर भाई, एक चीज बहुत अच्छा, ठीक है, हो गई आपसे आपकी बात हो गई, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। नमाज तो हर वक्त सर्व सजूद रहते हैं, उस सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा अभी, चलिए चलिए सर्टिफिकेट लेना, चलिए चलिए बारी बारी से, बारी बारी से बिंदु पे हम लोग रहे, कैसे सर्व सजूद रहे दादा, विषय बिंदु पे रहे, चलिए आप तो सर्व सजूद रहते हैं। समाज की ये जिम्मेदारी है, समाज सर्टिफिकेट दे दीजिए तो माफिरत हो जाए, सब थोड़े ना भारतीय जनता पार्टी के महोदय अकेले बोलेंगे क्या? सफर भाई भाषण देने आए क्या? भाजपा पर लगता है भाई, सफर भाई देने आए हैं, सफर भाई दो मिनट, सफर भाई और लोग ले लीजिए, सफर भाई और लोग, सफर भाई हो गया भाई तुम्हारी, प्लीज सफर भाई प्लीज थोड़ा देर, सफर भाई बोलिए बोलिए, सफर भाई आप बोलिए, पूरा समय आपके लिए, सफर भाई दो मिनट रुक जाइए, पूरा समय आपके लिए बोलिए, भाषण दे रहे हो क्या? अरे भाई उनको रोक कर यार म्यूट करो उनको, सफर भाई दो मिनट रुक जाइए, बिल्कुल नहीं रुकूंगा, आपको भाजपा की कसम मैंने रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा, ऐसा देखिए भाई, ऐसा है, सफर भाई गजेंद्र भाई सुन लीजिए, अरे रुकिए भाई, आप तो बिल्कुल चलिए सुन ले, चलिए सफर भाई, सफर भाई दो मिनट रुक जाइए, भाजपा की सफर भाई दो मिनट रुक जाइए, गजेंद्र भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, भारत में सत्ता नहीं चलेगी, गजन सफर भाई जो मेरे गजन भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, शरीयत की बात करते हो, बोलिए बोलिए, एक भाई बैठे थे खड़े हो गए, बैठ जाइए, बोलिए अरे रुक जा भाई, अरे साथ रुक जाएगी, थोड़ा साथ दे लीजिए, अरे थोड़ी साथ ले लीजिए, थोड़ी साथ भाई बता रहे हैं, अरे थोड़ी साथ दे लीजिए भाई, अरे शहबाज जी थोड़ी साथ ले लीजिए, अरे थोड़ी साथ दे लीजिए, सफर भाई जो मेरे जाइए, सफर भाई दो मिनट जाइए, सफर भाई दो मिनट जाइए, अरे थोड़ी साथ ले लो भाई, चलिए 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 चलिए, सफर भाई दो मिनट जाइए, तो और लोग ले लें, सफर भाई दो मिनट जाइए, दो मिनट सुन लीजिए भाई, म्यूट कर दो, नहीं नहीं सुनिए सफर भाई दो मिनट जाइए, चलिए बात पूरी करिए, बोलिए बोलिए, देखिए एक बात सबसे सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जी, कि जितनी भी संस्थाएं हैं जी इस राष्ट्र के अंदर, मुस्लिम संस्थाओं ने मुसलमानों को बेचने का काम किया, उन संस्थाओं के प्रमुखों की ये जिम्मेदारी है जी, कि वो आगे आए और आगे आकर के एक बेहतर संदेश समाज को दे, अगर समाज को बेहतर संदेश दिया जाएगा, अगर बेहतर संदेश दिया जाएगा तभी जाकर के यहाँ शांति स्थापित हो सकती है, क्योंकि ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे महावीर यहाँ है कि उनको चुप ही नहीं होना, उनको अपनी बात
कहां से बात कहां ले जानी है, डिबेट डिबेट कहां पे है, जैसे लोग हैं डिबेट यहां है, फ्रेंडशिप है, देखिए ऐसा है सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी काम पे दबला कराना है, इनकी पार्टी दबला करा करा कर चलिए, ये दो लोग ऐसे हैं कि ये चुप होने नहीं देंगे आपको, चलिए, और आपको पता नहीं कौन सा माने क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि स्थिति आपकी आपकी कैसे ऐसी आ गई है। देखिए राष्ट्र को शांति व्यवस्था शांति स्थिति में रहने के लिए हमारे समाज को हमारे देश को एक जो हमारा राष्ट्र है उस राष्ट्र के विषय में सोचना है। और एक बार निवेदन है पुनः, मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, सिख समाज हो, बौद्ध समाज हो, ईसाई समाज हो, अपने बच्चों के हाथ में किताब दीजिए, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। चलिए हमारे अंकुर भाई जुड़े हुए हैं, अंकुर भाई अगर किताब अंकुर भाई तो जवाब दीजिए, सभा में जुड़े नाराज है, चुप हो जाओ यार, शबाद भाई चुप हो जाओ भाई, चलिए अंकुर भाई जवाब दीजिए, जवाब दीजिए भाजपा के जो प्रतिनिधि महोदय है वो तो बिल्कुल आज की डेट में बिगड़ायल बच्चे की तरह जी, बिगड़ायल बच्चे की तरह जो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, जो विचार है आज एक हो गया, इस पूरे मॉनिटर की जरूरत है, इनसे गौरव भाई के बुलडोजर की आवश्यकता है आपकी देश में। सुनिए ऐसा है गौरव भाई, दो महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपकी विदेश से उभर कर आई, पहली विषय वस्तु जी पहली बात उभर के आई है कि इनने कहा कि बयान जीरो पे रोक लगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि मौजे मौजूद है एक तो इन जैसे बड़बोले बयान जीरो पे रोक लगनी चाहिए, दूसरा जो सत्ता पक्ष के बड़बोले बयान वीर है जिनकी वजह से भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति खतरा उत्पन्न होने लगा है और विक्षोभ की भावना उत्पन्न हुई है, ऐसे बयान ब्यूरो पे पहले कार्रवाई करके सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके लिए सभी धर्म संप्रदाय और सभी राजनीतिक दलों के बयान ब्यूरो पे कार्रवाई करना उनके लिए तर्कसंगत है। दूसरी बात टाइमिंग, भारतीय जनता पार्टी के लिए टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है, आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव होना था ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो एक वर्ग विशेष के खिलाफ कार्रवाई ना करते जनता के बीच में ये मैसेज कैसे जाता कि भैया तुम्हारी रक्षा करने के लिए केवल एक भारतीय जनता पार्टी मौजूद है, नहीं तो ये जो अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में है ये तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे, तो उनको आजमगढ़ और रामपुर की सत्ता भाई सत्तारूढ़ दल है आजमगढ़ और रामपुर में अगर वो अपनी विजय रथ यात्रा को निकालने में असफल हो गए तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा ना, तो ऐसी स्थिति में आज की डेट में उनके पास क्या ऑप्शन था, उनके पास यही ऑप्शन था ना कि हम एक वर्ग विशेष के ऊपर बुलडोजर दिखाएं, हमें एक वर्ग विशेष को दिखाएं कि इनने टेरर का माहौल क्रिएट कर रखा है तभी तो वोट पोलराइज होगा ना, लेकिन आप फिक्र मत करिए उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है कि भी संसाधनों के माध्यम से आप 2022 के चुनाव में सत्ता में आ गए हैं, लेकिन आप यकीन मानिए भारत का जनमानस आपके कुकर्मों को देख रहा है और 2024 में आपको सत्ता से बर्खास्त करके रहेगा। प्रतिपाल जी आपको आवाज नहीं मिल रही है, बोलिए बोलिए भैया समय का बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक समय ऐसा आया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस के ऊपर बैन लगा दिया था जी, उन्होंने माना था कि राष्ट्र के लिए ये आरएसएस सही नहीं है जी। आज वर्तमान में हमारे देश की स्थिति इतनी खराब हो गई, आज चैनल के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलने में दे रहे हैं, ना सुनने को तैयार है ना बोलने को तैयार है, देश का स्वार्थ तब सही होगा जब सरकार चाहेगी। आपको पता होगा कि पंजाब में एक सरकार बदली वहां पे रामनवमी हुई एक घटना नहीं हुई, वहां ईद हुई एक घटना नहीं हुई, यहाँ रामनवमी हुई तो चाहे गुजरात ले लीजिए चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए चाहे बिहार ले लीजिए सब जगह घटना हुई, ईद हुई हर जगह घटना हुई, क्योंकि सरकार की जो मंशा होती है वही नीचे के अधिकारी उसको एग्जीक्यूट करते हैं नीचे के ऊपर। आज देख लीजिए कल तक जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो थी वो लाठी डंडा लेके बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रही थी पत्थरबाजों के, उनसे समर्थन में नहीं बोल रहा वो गलत है, मगर आज वही पुलिस जो है वो गुलाब का फूल लेके बाहर खड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष ये चाहती है कि इस मामले को खत्म किया जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं के नाक में नकेल कसनी पड़ेगी, आरएसएस में नकेल कसनी पड़ेगी, तभी देश का सौहार्द एक स्थान पे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे उतरेगा। आज आप देश के अंदर जो आज आग बबला लोग हो रहे हैं लड़ने मरने के लिए तैयार है, आपने ऐसा माहौल क्यों खड़ा कर दिया?
आपने हर उन जवानों को विस्फोटक एक बम की तरह बना के दे दिया है। लोगों में इतने जहन में इतनी गंदी बातें आपने डाल दी है एक दूसरे के खिलाफ, तो वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। व्हाट्सएप पे किस तरह के मैसेज चलते हैं आपके पास, बीसीओ मैसेज चलते आते हुए दिन भर में कि वो उसके खिलाफ बोलना, वो उसके खिलाफ बोलना, ये क्यों हुआ? हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? आने वाले समय का भविष्य पर कैसा देना चाहते हैं? ये सब सुधरेगा, मैं हाथ जोड़ते हूँ। मैं अग्निवीर या भाषण वीर उनको बेनती करना चाहूंगा, देश के सुहार को बिगाड़ने का काम न करें। देश हमारा गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही जगह बैठ कर हम अपने एक दूसरे के धर्म में खड़े होकर एक दूसरे को सम्मान देते हैं, वही वही प्यारा देश हमें चाहिए। ये नफरत वाला देश हमें ना दे, यही हमसे जल्दी बोलिए। देखिए मेरा मेरा प्रश्न आपसे था जी, आपने कहा कि पंजाब में जी, पंजाब में अभी मंदिरों पे पत्थर चले थे और पूरे भारत ने देखा था। शासन व्यवस्था ठीक हो सकती जल्दी है, जल्दी हर व्यक्ति पर एक एक व्यक्ति पर पुलिस नहीं लगाई जाएगी, ये जिम्मेदारी हम लोगों की भी होती है। हम लोग अपनी गलतियों का मूल्यांकन करें और उसके बाद काम करें। पंजाब में जब चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, यहाँ चलेगा तो सपा आ जाएगी, वहाँ चलेगा तो कांग्रेस आ जाएगी। अरे गजब के आप लोग, ये नेताओं का यही चरित्र है, यही चरित्र है नेताओं का। इन नेताओं ने राष्ट्र को बर्बाद करके रखा है, समाज की हालत बुरी करके रखा है। आप ही जैसे नेताओं की देन है। तारिक भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए समाजवादी पार्टी ने विपक्ष के तौर पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए हर स्तर पर, जिले लेवल पे और हर स्तर पर लोगों से ये कहा है। हमारा विरोध विचारधारा का हो सकता है लेकिन अलग हटकर उससे हम शांति के लिए, देखिए फिर नाराज हो गए। आपको मौका देता हूँ, सपा दो मिनट ये वाली बात सुन लीजिए। पार्टी ने जियो को, जॉली जियो को, ये वाली बात सुन लीजिए। अभी हमारे कानपुर के ही हमारे विधायक ने कहा कि हम फूल बांटेंगे, उसको नहीं देख रहे हैं आप? हमारे ही विधायक ने कानपुर के कहा कि हम फूल बांटेंगे, अभी स्टेटमेंट दिखाया भाई ने। क्या बात? तो हम कह रहे हैं हम भी फूल बांटेंगे। हमने भी अपने डिस्ट्रिक्ट में पानी की बोतलें दी हैं, जो फोर्स के लोग लगे हुए थे, 2500 फोर्स लगा दी गई है। वो पानी की बोतल दी, कोई एहसान किया तो सवाब तो करना नहीं, हम सवाब बता रहे हैं, हम खुद दे रहे हैं, हम खुद फूल देते हैं उनकी जगह। चलिए आप पानी देना सवाब का काम है यार। चली, चली। हाँ मैं कह रहा हूँ हम फूल देंगे, पानी देंगे, उधर से भी फूल आएगा, ये हमारा विधायक कह रहा है। बांटे गए अधिकारी फूल बांटे थे, अपील कर रहे हैं भाई। लखनऊ में फूल बांटे गए हैं अधिकारी लोग, लखनऊ में फूल बांटे गए हैं, टीले वाली मस्जिद फूल दिए हैं। चलिए 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 ठीक है। तो सबके हमने बयान लिए और अंकुर भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, अंकुर भाई जल्दी बोल दिए जी। गौरव भाई सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं को लेकर जो इनने कहा है, तो नेता जो होते हैं वो जनता की आवाज होते हैं और जनता की स्पष्ट आवाज होते हैं। और सारे ऐसी मैंने आपको सुना, मैंने ऐसे नेताओं को प्रणाम है, ऐसे नेता ना हो। एक नेता किसी को बोलने ही नहीं दे रहा, एक नेता किसी को बोलने ही नहीं दे रहा है, किसी का सुन ही नहीं रहा है। नेता जो होता है वो राष्ट्र का चरित्र ये सब होता है। आप जैसे लोगों से, ऐसे लोगों से तो प्रणाम ये रहता है कि उन लोगों का बायकॉट करें जो आपके बीच में जनता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमने चर्चा की और चर्चा का केवल चर्चा के नाम पर यहाँ पर केवल बवाल ही रहा, चर्चा होती रही, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे और एक बात निकल के सामने आई कि अगर बयानबाजी कम होगी, अगर बयानबाजी धार्मिक नहीं हो रही तो इस तरह के माहौल बनेगा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आप अमन चैन फैलाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि देश का सौहार्द बना रहे, अगर आप चाहते हैं हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, तो सबसे पहले आपको शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी। जब आप स्वयं सुधरेंगे, जब आप स्वयं सौहार्द फैलाना चाहेंगे, तो पूरे देश में जो सौहार्द का माहौल बना रहेगा। क्योंकि जब कोई हिंसा होती है, पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है, तो निश्चित रूप से देश की संपत्तियों नुकसान होता है और देश की जो इज्जत होती है, आन बान शान, वो तीनों
आपके वैश्विक स्तर पर खराब होती हैं, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमारा ये मौलिक कर्तव्य है कि देश की आन बान शान में कोई कमी ना रहे, चाहे फूल बांटे, चाहे पानी पिलाएं और चाहे पीस कमेटी की बैठक करके अमन फैलाएं। पर हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे देश में अमन सौहार्द बना रहे, क्योंकि किसी भी धार्मिक इमारत या किसी धर्म पर पहरा बहुत अधिक समय तक लगाया नहीं जा सकता है। इसलिए सौहार्द के साथ जीना जरूरी है और जीने के लिए सौहार्द बहुत आवश्यक है और इसकी पहल हमको लगातार करनी पड़ेगी और ये जो प्रथा है जो बयानबाजी की, धार्मिक बयानबाजी की, इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा और कड़ी कार्रवाई और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। तो आज की डिबेट बिता ही, मुझे जन्मति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस